फ्रेंड्स, लेट्स सी द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसके बाद हम फुल जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव हम रियल लाइफ में देखे होंगे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एग्जैक्ट अगर लेंथ 5 मीटर है, उसकी हाइट अगर 5 मीटर है, तो हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट अगर पास होता है तो उसकी साइज सपोज 5 मीटर ही बहुत पास है, तो हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट वो पास है तो उसका जो हाइट है वो ज़्यादा दिखता है। अगर यही ऑब्जेक्ट है वो कुछ 10 या 50 मीटर्स अगर आगे है तो उसकी हाइट हमें कुछ कम दिखती है, सपोज 4 मीटर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो वो छोटी दिखती है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे पास में है तो वो बड़ी दिखती है, ठीक। ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसे तो मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है। तो अगर हम रेलवे ट्रैक देखें, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ठीक, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक देखें, इसके स्लीपर्स हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं रेलवे ट्रैक पे परपेंडिकुलर वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट है रेलवे ट्रैक, तो अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस सपोज 100 किलोमीटर तक ये स्ट्रेट है, तो हम जब इसको देखेंगे, आप इसको फील कर सकते हैं, जब आप देखेंगे तो ये लास्ट में जाके ये रेलवे ट्रैक हमको कंजर्व होती हुई दिखेगी, ठीक है। वहाँ पे किसी पॉइंट पे वो जाके, इसे स्टार्टिंग में तो दिखेगा कि ट्रैक है, फिर ऐसे करके वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग में जो स्लीपर्स का जो विद है वो यहाँ पे जो ओरिजिनल विद है वो है, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है उसका साइज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये जो 3D जो है पॉइंट्स, इसको हमें 2D में मैप करना है, ठीक है। और सिंपल एक तो प्रोजेक्शन होता है कि हमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D में मैप करना है, ये तो सिंपल प्रोजेक्शन होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है कि हमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट तो करना है, बट जो इसकी ये जो पर्सपेक्टिव वाली क्वालिटी है तो वो इमेज में भी दिखनी चाहिए कि स्टार्टिंग में बड़ा हो और बाद में वो छोटा हो। जैसे अगर किसी इमेज में ही, 2D इमेज में ही कोई अगर रूम हम का पिक्चर देखते हैं तो हमको फील होता है कि हाँ स्टार्टिंग में ये बड़ा है, ऐसे रूम कुछ कुछ इस टाइप के स्टार्टिंग में तो ऐसे दिखता है, बट हल्का सा यहाँ पे लास्ट में आप मूवी में देखेंगे तो ऐसा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे यूज़ किया जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को। जो जो कैमराज होते हैं वो 3D रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको 2D स्क्रीन पे मैप करते हैं, और ये पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, जैसे अगर यही एग्जांपल लें रेलवे ट्रैक का, तो यहाँ पे है एक्चुअली एग्जैक्ट क्या हो रहा है, हम 2D प्लेन पे शो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमें कन्वर्स होते हुए दिखेगा, लेकिन अगर ये तो हमारा ब्रेन है जो ये कर रहा है, ठीक है, ओरिजिनल दिखा रहा है। अगर हमें किसी कंप्यूटर से, कैमरे से अगर ये करना है कि कैमरे से फोटो क्लिक करें उसके बाद इसको किसी मॉनिटर पे हम इसको प्ले करें तो हमें ऐसा दिखे। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 2D प्लेन है, तो यहाँ पे हमें इसको मैप करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ये तो स्लीपर्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे और यहाँ पे ये स्लीपर्स इस तरीके से होंगे, तो इनका साइज इस स्क्रीन पे धीरे 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 छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है, अब हम देखते हैं ये कैसे हम इसको कर सकते हैं कि तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि एक 3D पॉइंट होगा XYZ, इसको हमें 2D में स्मॉल XY में हमें कन्वर्ट करना है विथ द फीलिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये इमेज देखते हैं जिसमें क्या है कि ये XYZ कोई पॉइंट है 3D, रियल वर्ल्ड में कोई पॉइंट है 3D, उसको हमें मैप करना है एक 2-डायमेंशनल पॉइंट XY में, 2-डायमेंशनल प्लेन में इसको मैप करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस का सेंटर है जो कि इसका लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है। और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। तो देखते हैं हम कैसे मैप कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये 3D में है, तो यहाँ पे एक्चुअली
इसको देख पाना मुश्किल है, तो इसको मैं 2D में जो हमारे इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं एक्स एक्स और वाई के, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में वो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज का जो ये एक्स है वो तो सेम डायरेक्शन में ही होगा और ये जेड एक्सिस है। तो सपोज करते हैं ऐसे, ठीक है, कि यहाँ तक ये पॉइंट एफ है, ठीक है, ये डिस्टेंस एफ है, ठीक, ये टोटल जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे मैप किया है, एफ है, और ये जो डिस्टेंस है वो जेड है, ठीक, ये वाला, ठीक, ये एफ है और ये जेड है, ठीक। और ये हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, हम इसको मैप करा रहे हैं इस समझने के लिए कि क्या इक्वेशन आएगा एक्स और जेड एक्सिस में, ठीक। तो और जो इमेज है, सपोज यहाँ पे एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, ऑब्जेक्ट का जो 3D ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमें मैप करना है तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस वाई कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ठीक। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल हम फाइंड करेंगे, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल और ये कंप्लीट ट्रेंगल में, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एंगल ये सेम है, इक्वल है, इसका ये एंगल इक्वल है, और इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इससे क्या होगा, एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये एक्स सिमिलरिटी की वजह से एक्स बाई एफ इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बाई जेड, ठीक, ये एक्स डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू टोटल एक्स डिवाइड बाई टोटल ये लेंथ, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जेड, ठीक। अगर हम सिमिलरली प्लॉट करें जेड एक्सिस को और वाई एक्सिस को, तो हमें यहाँ मिल जाएगा ये स्मॉल स्मॉल वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई जेड, सेम, सिर्फ यहाँ पे एक्स का चेंज होगा, एक्स का वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जेड जो कोऑर्डिनेट है वो वैनिश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 3D से हमें 2D में प्लेन करना है, तो खाली एक्स और वाई के टर्म्स में हमारा इमेज आता है, जेड खत्म हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने एक्स का इक्वेशन लिखा है इसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एंड फोकल लेंथ ऑफ कैमरा के टर्म्स में। तो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हम जो भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है उसको पुट करके और कैमरा का फोकल लेंथ पुट करके हम इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं कि जो हमारा इमेज होगा 2D वो कहाँ पे मैप करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जेड एक्सिस का वैनिश होना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडियो इमेजिंग पढ़ेंगे, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे जेड वैनिश होने का बहुत इम्पैक्ट है, इसका मतलब ये है कि हमारे इमेज से डेप्थ गायब हो गया है, ठीक है, जो डेप्थ है गायब हो गया है, मतलब इसका ये है कि हमें मीन्स जो भी इमेज है वो सेम प्लेन पे दिखेगा, कोई जैसे DSLRs में होते हैं डेप्थ डेप्थ मोड कि आगे वाला सीन कुछ, मतलब हमें देख के लगता है कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स आगे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके पीछे हैं, तो इसमें हमारा नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे स्टूडियो इमेजिंग में। तो ये रहा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।